दोस्तों कल ओछी चीज जो कि पूनम पांडे ने की है और जो हरकत उनकी ये थी, इतनी शर्मनाक चीज है वो। देखिए, हम सब कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करेंगे कि आप जो है अपने आप को बहुत ज़्यादा सुपीरियर या ब्रांड एम्बेसडर समझने की कोशिश कर रही थी जो, और जिस तरीके से आपने लोगों के फीलिंग्स के साथ, इमोशंस के साथ खेला है, उसके बाद जिस तरीके से ये जो मुनव्वर के दोस्त हैं वो जैसे आपसे बात कर रहे हैं, उसी तरीके का लफ्ज़ और वैसा ही लहजा आप पूरे हिंदुस्तान से डिजर्व करती हैं, जिस तरीके से आपने ये खेल खेला और जिस तरीके से ये एक फेम वाली ही बात थी। आप समझिए ना समझिए, बट कहीं ना कहीं ये बात बहुत ज़्यादा एविडेंट, बहुत ज़्यादा क्लियर है कि एक वो पूनम पांडे जो कि अवार्ड सेरेमनी में जा रही थी, बट जिसको हाइप और एंगेजमेंट नहीं मिल रहा था, बट एक ही दिन में उतने सालों का जो हाइप था ना, जो लॉस में था, वो एक ही बार में पूरा कवर हो गया। कल इतने सारे लोगों ने विजिट कर दिया पूनम पांडे के अकाउंट को कि एंगेजमेंट, हाइप, सब कुछ एक ही साथ अच्छी हो गई और क्लियर हो गई। और आज जब आके उन्होंने ये चीज़ की, उसके बाद तो और भी ज़्यादा हाइप मिल गई कि अरे तो जिंदा है, देख लेते हैं क्या बोल रही है। तो ये सारी चीज़ों के बाद अब प्रिंस नरूला का एक वीडियो वायरल होता है जो एयरपोर्ट से वो रिकॉर्ड कर रहे हैं, और उसमें बोलते भी हैं कि मैं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हर्ट था पूनम पांडे के डेथ की खबर सुन के। कल बहुत सारा मेरे को काम करना था, मैं काम भी नहीं कर पाया, मैं बहुत ज़्यादा सैड था। इवन मैंने मेरी वाइफ को ही बोला कि कुछ समझ में नहीं आ रहा यार, अचानक से ऐसे कैसे हो गया, मैं अभी हफ्ते भर पहले उससे मिला हूँ। बट अगर आप अपनी मौत का ऐसा मजाक उड़ा रहे हो तो एफ़ द शिट जो उन्होंने कहा है उस अपने वीडियो में। और ये लहजा पूनम पांडे बिल्कुल डिजर्व करती हैं, बिकॉज सबने मैं बता रहा हूँ, चाहे वो शिवम शर्मा हो या आजमा फलाह, शिवम और आजमा तो अभी लाइव भी हैं और उसी चीज़ पर बात कर रहे हैं, बट ऑलमोस्ट ये जो लहजा था प्रिंस नरूला का वो पूनम पांडे के लिए बहुत ज़रूरी था। और पूनम पांडे को ये चीज़ समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी कि हर बार वो प्रैंक करके निकल नहीं सकती हैं। अगर किसी दिन ऐसा सच में हो गया तो ना कोई मीडिया कवर करने के लिए होगी और ना ही कोई फ़ैन खड़ा होगा। फिलहाल इस पर आप लोगों की क्या राय है ज़रूर बताएगा हमें हमारे कॉमेंट सेक्शन में लिखकर। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, धन्यवाद।